नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव का सियासी रंग अब जातियों पर भी चढ़ने लगा है। ये पहली बार नहीं है जब समाज के नेता चुनाव आते आते सक्रिय हो जाते हैं, बल्कि इससे पहले भी हर चुनाव में समाज के नेता राजनीति में नेतागिरी करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। जब नेतागिरी की बात आ ही गई तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुखिया किरोड़ी सिंह बैसला को ही ले लीजिए। अब चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही वे भी सक्रिय हो गए हैं। वैसे तो अभी भी सभी होली का रंग चढ़ा हुआ है, लेकिन राजनीति के सियासी रंग इन सभी रंगों पर भारी पड़ रहे हैं। आरक्षण की आग में उलझे हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि कर्नल साहब का ये रास्ता पटरियों से होता हुआ तय हो रहा है। विधानसभा चुनाव में भी कर्नल बैसला सिर पर खूब सियासी रंग चढ़ा था, लेकिन उनका ये सियासी रंग पार्टियों पर बेरंग साबित हुआ। अब चुनाव नजदीक आ है, कर्नल साहब पर फिर से चुनावी रंगों का सुरूर चढ़ने लगा है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लाया है सोशल मीडिया इंटरव्यू, जहां पर इंटरनेशनल लेवल न्यूज रूम या फिर आपकी अपनी ब्रांडिंग का न्यूज रूम में प्रोफेशनल एंकर द्वारा लिया जाएगा इंटरव्यू। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। कॉल करें 9001299672 और विजिट करें www.mishimediasolutions.com। चर्चाएं ये भी हैं कि कर्नल साहब का ये रास्ता पटरियों से होता हुआ तय हो रहा है। विधानसभा चुनाव में भी कर्नल बैसला के सिर पर खूब सियासी रंग चढ़ा था, लेकिन उनका ये सियासी रंग पार्टियों पर बेरंग साबित हुआ। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो कर्नल साहब फिर से चुनावी रंगों का सुरूर चढ़ाने के लिए तैयार हैं। और चर्चा ये भी है कि पटरी बॉय इस बार अपने बॉय विजय बैसला के टिकट के जुगत में भी जुटे हैं। कर्नल किरोड़ी बैसला ने साफ कर दिया कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, तो ऐसे में उनके इस बयान को समझा जाए कि कोई राजनीतिक पार्टी उन्हें या उनके बेटे को टिकट दे रही है। ये पहली बार नहीं है जब कर्नल किरोड़ी बैसला चुनावी मैदान में उतरकर अपनी ताकत ठोक रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी वे चुनाव लड़ चुके हैं। किरोड़ी सिंह बैसला 2009 में बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि इसमें उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी। जिला परिषद सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसलिए वे इस बार भी लगातार पार्टियों से संपर्क में हैं। ऐसे में क्या यह माना जा सकता है कि कर्नल बैसला इस बार चुनाव लड़ेंगे? हालांकि उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वे किसी भी पार्टी से संपर्क में नहीं हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि सवाई माधोपुर से पार्टियां गुर्जर चेहरा मैदान में उतार सकती हैं। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।